अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आदेश को पलटते हुए नए अध्यादेश लाने से आपको बड़ा झटका लगा। अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व अन्य बड़े नेता देश भर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा में इसे रोकने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, जिससे इस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सके। लेकिन देश की सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा समारोह के बहिष्कार पर आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल चुका है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आदेश को पलटते हुए नए अध्यादेश लाने से आपको बड़ा झटका लगा। अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व अन्य बड़े नेता देश भर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा में इसे रोकने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, जिससे इस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सके। लेकिन देश की सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा समारोह के बहिष्कार पर आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल चुका है।